अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसा रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउल में बॉइल्ड पोटैटोस ले लूँगी, इसके बाद बॉइल्ड कीमा ऐड कर दूँगी। बीफ कीमा है ये। फिर फ्रेंड्स, हरा धनिया और एक अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। इसके बाद नमक हसबे ज़रूरत। इसके बाद रेड मिर्च हाफ टी स्पून। देन धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अभी बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी तो फ्रेंड्स, अब ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। यू कैन सी जी तो समोसा डो की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं उसको लूँगी और रोटी की तरह उसको बेल लूँगी। व्यूवर्स, आपने इसको इतना बेलना है कि बिल्कुल इस हद तक ले जाना है, कागज़ की तरह ये हो जाए। जी तो अब मैं एक जग का होल ले लूँगी, इजीली हर घर में ही होता है, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं साइड पे कर लूँगी और जितना मुझे चाहिए वो मैंने गुलाई ले ली है। इसके अंदर जो मैं मटेरियल बनाया था बॉइल्ड पोटैटोज और कीमे का, वो ऐड कर दूँगी। और वाटर की ग्रीसिंग कर रही हूँ मैं, ऑयल की ग्रीसिंग नहीं कर रही, वाटर की ग्रीसिंग कर रही हूँ। अच्छे से ग्रीस करना है कि ये आप इसमें चिपक जाए। अब इसको दोनों हाथों की मदद से फिंगर्स की मदद से आपने पैक कर देना है। दूसरी साइड से भी अच्छे से कर देना है, कहीं से खुला ना रह जाए। जी तो देखिए, अच्छे से पैक हो चुका है। अब मैं एक फॉर्क ले लूँगी। जी तो अब मैं फॉक की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। देखिए कितनी इजी और क्विक फास्ट रेसिपी है, कितनी अच्छे से डिज़ाइनिंग हो गई है फॉक की मदद से। इजीली हर घर में ये तो होता है। ट्रे ले लूँगी, उसमें मैदा को हल्के से फैला लूँगी। अब फिर से मैंने एक गुलाई में पीस लिया, उसके अंदर वही मटेरियल ऐड कर दिया और इसको मैं और मेथड से डेकोर करूँगी। समोसे की तरह वाटर की ग्रीसिंग की है। यस, ऐसे इन सब को उठा के ऊपर से एक अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। देखिए, अब हथेली पे रख के इसको घुमाएं धीरे धीरे से। देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब इसको मैं स्क्वायर की शेप दे दूंगी नाइफ की मदद से, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं उठा के साइड पे कर लूँगी। देखिए मेरे पास स्क्वायर आ गया अच्छे सा।
इसमें अब टॉप पे यानी एक साइड पे मैं वो मटेरियल रखूंगी। अच्छा, उसको एक लाइन में रख लूंगी, देन मैं इसके अंदर एक साइड पे कट लगा दूंगी। अब देख सकते हैं किस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। जी तो कट लग चुके हैं, अब ग्रीजिंग कर लेंगे वाटर की। मैं इसको उठाऊंगी और टर्न कर लूंगी। इसी तरह टर्न करते करते मैं लास्ट पे ले जाऊंगी। एहतियात से करना है क्योंकि साइडों से निकलना है। जी तो टर्न हो चुका है, अब मैं इसको रिंग शेप दे लूंगी। जी तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डोनट तैयार हो गया है, एक और हैक बन गया मेरा। अब फिर से रोटी को बेल लिया और मैं एक स्क्वायर निकाल लूँगी बीच में से, जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं साइड पे कर दूँगी क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। जी तो देख सकते हैं आप लोग साइड पे हो गया वो। अब इसके ऊपर एक कॉर्नर पे मैं वो मटेरियल रख दूंगी। और इसके दो साइड्स पे मैं कट लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कट को आपस में मिला नहीं देना, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और दो साइड्स पे कट लगाना है। वाटर की ग्रीजिंग कर लेनी है, वाटर की ग्रीजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर की ग्रीजिंग ना होगी तो हमारा जो बनाएंगे हम जो भी, तो वो ऑफिस में क्लोज नहीं होगा, वो ओपन रहेगा, इसलिए वाटर की ग्रीजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्के हाथ से आपने इसको चिपका देना है। अब जो साइडों पे बचा हुआ था उसके अंदर मैं एग्जैक्ट पहले की तरह कट लगा लूँगी, दूसरी साइड पे भी सेम वैसे ही करेंगे। अब एक साइड से उठाऊंगी एक स्ट्रिप और फिर दूसरी साइड से उठाऊंगी स्ट्रिप, फिर एक साइड से उठाऊंगी। और फिर से दूसरी साइड से, तो इस तरह ये मेरा नेटवर्क बन जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे बड़ी बड़ी पहले एक साइड से स्ट्रिप लूंगी फिर दूसरी साइड से स्ट्रिप लूंगी और नेटवर्क बन जाएगा। है ना अमेजिंग? जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको उतार लूँगी। जी तो नेटवर्क बन के रेडी हो चुका है, इसको भी साइड पे रख लेंगे। अब चलते हैं अगले की तरफ। जी तो फिर से मैंने जग के होल के साथ इसको गुलाई में ले लिया है। इस बार मैंने दो पीसेस लिए हैं। दूसरे को उठाऊंगी और दोनों के एजेस पे मैं वाटर की ग्रीजिंग कर लूंगी।
हल्के हाथ से करना है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अब इसको मैं उसके ऊपर टर्न कर दूंगी। अब मैं इसको पिनटेक्स की तरह समेटी जाऊंगी और साथ साथ एजिस को प्रोमिनेंट करती जाऊंगी, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल है। जी तो बन तो चुका है, अब मैं इसको नीट कर लूँगी। जी तो एक और रेडी हो चुका है। अब फिर से मैंने स्क्वायर ले लिया एक, उसके ऊपर वाटर की ग्रीसिंग पहले से कर लूँगी। कॉर्नर को उठा के मिड में लेके आऊंगी, चारों कॉर्नर्स को मैं ऐसे करूंगी। जी तो टर्न हो चुके हैं, अब मैं इसको उठाऊंगी और इसके बैक साइड पे मटेरियल ऐड करूंगी। जी तो फिर से कॉर्नर्स को उठा के और मटेरियल के ऊपर रखते जाऊंगी, चारों साइडों से मैं ऐसे ही करूंगी। और ये जो लाइन बनी है इनको आप इसमें मिला दूंगी। अच्छे से अब इसको उठा के नीट कर लेंगे। और अब बैक साइड से इसको थोड़ा सा टर्न कर लेंगे, ताकि ये ज़्यादा मोटा ना बन जाए और बीच में से अच्छे से ना बने। फिर से नीट कर लेंगे। जी तो एक और बन के रेडी हो चुका है। अब जी जो हम लोग चलता है पाकिस्तान में समोसा, अब हम बनाने जा रहे हैं वो समोसा। इसको यूँ हाथ पे रखेंगे हाफ पीस को, और इसके ऊपर एजिस पे वाटर की ग्रीसिंग कर लेंगे। देन इसको उठाऊंगी और फिंगर्स पे रख के थंब के ऊपर मैं पहले एक साइड को टर्न करूंगी, फिर दूसरी साइड को, फिर इसको फिंगर्स की मदद से उठा के इसके अंदर मैं फिलिंग कर लूंगी। जी तो देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल कमर्शियल जैसा, घर पे बना सकते हैं आप इजीली। जी तो अभी इसको पैक कर लूँगी। समोसा बनके रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं फॉर्क की मदद से डिज़ाइन बना लूँगी, जो कि एक न्यू लुक भी आ जाएगी और खूबसूरत भी लगेगा। देखिए जी, देखिए समोसा बन के रेडी हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की सारी मेहनत। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे हैक्स बन के रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। जी तो पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था लो फ्लेम पे,
फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अगर आप मीडियम रखेंगे तो ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे, गोल्डन कलर आएगा इसका, ब्लैक या कहीं से जलेंगे नहीं। अब हल्के हाथ से ऑयल को इसके ऊपर डालना है। को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।